हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है और ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में देखिए, आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है आज बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट एरिया के आसपास। देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल से ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हो चुका है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। अभी यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन क्या चल रहा था यहाँ पर डाउन साइड के लिए, अगर देखें तो अभी यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट बना के एक मूवमेंट दिखाया अपसाइड, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। अगर प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से चेंज होगा तभी सिनेरियो यहाँ पर हम देखेंगे बुलिश का। सिर्फ एक कैंडल से ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ट्रेंड यहाँ पर बुलिश हो चुका है। हाँ, आज ग्रीन कैंडल बनी है तो कल के लिए जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है बुलिश का। और ध्यान रखिएगा, अभी क्या है 50 EMA, मार्केट अभी 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है और ये सारा का सारा एरिया हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है 44,800 के अराउंड लेवल। अगर मूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पर हो सकता है 50 EMA या फिर 44,800 के आसपास जाकर फिर से रिजेक्शन फेस करे, लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट को बुलिश होना है तो हो सकता है यहाँ पर क्या हमें मिले, प्राइजेक्शन। अगर इस तरह से प्राइजेक्शन बनेगा तो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रॉपर बुलिश का। तो जब तक मार्केट 44,800 और डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है वो हमारे लिए बन चुका है 43,800, तो जब तक इसके अंदर है यहाँ पर हम छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करेंगे। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर बुलिश के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्राइजेक्शन, और ये सारा का सारा जो हर्डल है इसको ब्रेक होना चाहिए। आज की कैंडल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मूव यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अब हम अवर्ली टाइम फ्रेम पर। एक बार मैं आपको यहाँ पर अवर्ली टाइम फ्रेम पर ले जाती हूँ, एक सेकंड इस सबको कर देती हूँ रिमूव। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा आप लोग यहाँ पर, तो अवर्ली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, 50 EMA के नीचे मूव कर रहा था। यहाँ पर देखिए हाई लगाने की कोशिश करी, यानी कि ब्रेक करने की कोशिश करी 50 EMA को, लेकिन रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से फॉल मिला। फिर से मार्केट ने ट्राई किया, देखिए यहाँ पर 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी दी, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से फॉल मिला है। और अभी मार्केट ने क्या किया, आज 50 EMA के ऊपर मूव किया है और 50 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है, 50 EMA को ब्रेक नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हर्डल हमारे पास बना हुआ है ये पिछला हाई, यानी कि 44,500 राउंड नंबर। अगर प्राइजेक्शन की बात करें तो देखिए प्राइजेक्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, अभी प्रॉपर तरह से चेंज नहीं हुआ है, चेंज होने की कोशिश कर रहा है। अगर कल ये 500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो देखिए प्राइजेक्शन क्या चल रहा था, यहाँ पर डाउन, ये क्या कर रहा था, अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये पिछला हाई, ये हाई, तो ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। प्राइस यहाँ पर देखिए डाउन आ गया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, प्राइस फिर से अप गया, यहाँ पर फिर से इसने रिजेक्शन फेस किया, इसने पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर से डाउन आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ये सपोर्ट भी ब्रेक नहीं किया है, इसी एरिया से सपोर्ट लिया है और प्राइस ने मूवमेंट दिखाया है अपसाइड। तो ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद अगर इसको सपोर्ट बना लेता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन चेंज, प्राइजेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज। और यहाँ पर देखिए 50 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग मिल चुकी है, तो अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से सिनेरियो मिलता है तो आने वाले दिनों में जो है मार्केट हमारा बुलिश हो सकता है। तो हमारे पास जो हर्डल्स होंगे, तो अपसाइड हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 44,750 का लेवल। देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह से ये बिहेव करता है, इसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो व्यू बन रहा है फ्रेंड, देखिए मेरे लिए जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है अपसाइड के लिए, क्योंकि जब तक 50 EMA के ऊपर रहेगा मेरा व्यू यहाँ पर रहेगा बुलिश का। अगर 50 EMA के नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर अगर हमें प्राइजेक्शन दिखाई देगा तभी सिनेरियो यहाँ पर हम देखेंगे बेयरिश का। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसने आपको रिमूव कर देती हूँ। आई होप आपको यहाँ पर ये प्राइजेक्शन यहाँ पर समझ में आया होगा अवर्ली टाइम फ्रेम पर। तो अब चलते हैं 15 मिनट पर और कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं एक बार सेट, यहाँ पर एक सेकेंड। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए फ्रेंड, तो देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा था और यहाँ पर देखिए 50 EMA के ऊपर मार्केट सपोर्ट बना रहा था। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को ये फिल कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसको ब्रेक है, यानी आज का हाई ब्रेक किया, एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला और हाई लगाया यहाँ पर 44,500 अराउंड लेवल यहाँ पर, ये तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा चुका है। तो देखते हैं कल ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, यहाँ पर इसको कर देते हुए रिमूव। तो फ्रेंड ज़रूर बताइएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि किसने किसने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने
लेवल पोस्ट किए थे और अपने प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किया था कि मेरा व्यू अपसाइड के लिए है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना प्रीमियम ग्रुप। तो देखिए ये है मेरा प्रीमियम ग्रुप, यहाँ पर 11:30 बजे मैंने पोस्ट किया कि 4450 का सपोर्ट लेवल है और मेरा व्यू यहाँ पर अपसाइड के लिए है। और इस तरह से आप देख सकते हो निफ्टी 50 और यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने पोस्ट किया था और ये सारे के सारे हमारे लेवल्स थे। तो अगर आपको हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मेरा व्यू होता है, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं अपडेट कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं चार्ट पर। अब यहाँ पर हम लेवल को मार्क कर लेते हैं कल के लिए। तो कल यहाँ पर हमारे पास देखिए 500 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर्डल होगा 544-500। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है वो है ये वाला लेवल 44-250 अराउंड लेवल, 44-250 का लेवल। और बीच में जो हर्डल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये वाला लेवल 44-325 का लेवल। तो ये छोटा सा हर्डल है। तो प्राइस अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर 500 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर देता है, यानी कि इसको सपोर्ट बना लेता है, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर कैंडल क्लोज कर देती है उसके बाद इस लेवल को सपोर्ट बनाती है, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि मार्केट ने इसके पहले भी आप देख सकते हो कि इसके आसपास से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो कल अगर इसको सपोर्ट बनाएगा तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होगा, टारगेट जो हम लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर अगर मार्क करूँ तो सबसे पहले हमारे पास टारगेट होगा 44-600 राउंड नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी जो हाई है 44,755 अराउंड लेवल। तो ये दो लेवल्स होंगे यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ अपसाइड के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया 600 और उसके बाद 756 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग लेवल है 44,756 का लेवल, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने किस तरह से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। तो कल अगर यहाँ पर ये मूवमेंट दिखाता है तो प्राइजेक्शन के साथ हमें चलना है, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। अब हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखिए डाउन साइड के लिए क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा अप जाता है, रिजेक्शन फेस करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन चेंज और प्रॉपर जो हमारी एंट्री बनेगी डाउन साइड के लिए वो हमारी बन सकती है 44-250 के नीचे। और यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए क्योंकि बुलिश का व्यू है। अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले, सपोर्ट बनाए और फिर से ये मूव करे। तो अगर यहाँ पर 50 EMA के नीचे और 44-250 के नीचे निकलता है तभी मैं यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूँगी। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, एक सेकंड यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्राइजेक्शन अगर बनेगा तभी प्लान करेंगे। और जो टारगेट होगा, तो टारगेट जो डाउन साइड देखने को मिल सकता है यहाँ पर, फिर हमारे पास ये वाला हर्डल बन सकता है यहाँ पर, ये 44-120 के आसपास का लेवल। तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये वाला स्ट्रॉन्ग हर्डल 250 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 120 का लेवल। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला एरिया 44,000 अराउंड लेवल, 44,020, यानी कि जो आज का लो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तीन लेवल्स हो गए यहाँ पर, ये तीन लेवल्स डाउन साइड के लिए और ये दो टारगेट अपसाइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक बार अपने लेवल्स को कंफर्म कर लेते हैं। टूल यूज़ करेंगे फिब रिट्रेसमेंट और आज का लो और हाई मार्क करेंगे। यहाँ पर ये आज का लो और यहाँ पर ये आज का हाई हमने मार्क कर लिया है। आप देख सकते हो कि 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 44-255 का लेवल, यानी कि अभी हमने जो लेवल निकाला है उसी के आसपास हमारा 0.5 का लेवल भी है और यहाँ पर 50 EMA भी है। तो प्राइस अगर डाउन आता है और प्राइस को अगर बुलिश होना है तो फिर से इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो इसके नीचे अगर निकलता है, 50 EMA के नीचे निकलता है, तभी सिनेरियो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेरिश का। तो जब तक प्राइस 44-255 के ऊपर है, मेरा व्यू यहाँ पर रहेगा बुलिश का। अगर 255 का लेवल ब्रेक करेगा तो मेरा व्यू यहाँ पर होगा डाउन साइड के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी को अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी जो है काफ़ी अच्छा जो है बुलिश नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या 50 EMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया और यहाँ पर जो है प्राइजेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये लो लगाया, लो लगाने के बाद देखिए हाई लगाया, डाउन आया, फिर से अप गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइजेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर मूवमेंट दिखाता है तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा ये मूव कर सकता है, यानी बुलिश का सीनरी होगा। और फिलहाल अभी भी जो व्यू बना हुआ है निफ्टी में वो बना हुआ है बुलिश का। तो यहाँ पर देखिए हर्डल हमारे लिए क्या बन रहा है, अब 19,770 का लेवल, इसके आसपास का हर्डल हमें देखने को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस है क्योंकि इसी एरिया से
जो है फॉल मिला था और एक काफ़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली थी। अभी मार्केट यहाँ पर फिर से जो है मूव कर रहा है, तो ये एक हडल हमारे लिए होगा 770 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें फिर से अपसाइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं। इसको कर देते हैं रिमूव, चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर एक बार सेट। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी को देखें तो देखिए निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद 50 एमए के ऊपर यहाँ पर सस्टेन किया और प्राइस में बनाकर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अपसाइड हाई लगाया 19,700 अराउंड लेवल। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर निफ्टी और बुलिश भी नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लेवल को मार्क कर लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए जो हर्डल्स है यहाँ पर, एक सेकंड इसको सेट करती हूँ। तो अब साइड देखिए हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 19,728 का लेवल, 19,728 का लेवल। इसको ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट होगा यहाँ पर हम लेकर चलेंगे सबसे पहले ये वाला लेवल 770 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 800 राउंड नंबर। तो ये तीन लेवल होंगे और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 19,850 का लेवल। तो ये तीन टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला लेवल, क्योंकि देखिए मार्केट ने इसी लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया था और यहाँ पर हमें बड़ा फॉल मिला है। यहाँ पर देखिए इसी लेवल से फिर से मार्केट ने जो है रिजेक्शन लिया और यहाँ से बड़ा फॉल, उसके देखिए यहाँ पर भी इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से बड़ा फॉल। तो ये हमारे सारे सारे क्या हैं, हर्डल्स हैं यानी कि रेजिस्टेंस हैं। तो अगर प्राइस मूव करता है तो ये हमारे टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 770 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 राउंड नंबर और उसके बाद 850 का लेवल। तो ये तीन टारगेट अपसाइड। अब हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड यहाँ पर हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो हम करेंगे। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा हर्डल है, ये हमारे लिए रेंज रहेगी 19,675 का लेवल। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए मूव करेगा अपसाइड, तो ये हमारे टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर अप जाता है इस लेवल से, फिर से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है और उस लेवल को ब्रेक करेगा 675 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, चलिए हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम लेवल लेकर चलेंगे वो हम इस एरिया के आसपास, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो हम लेकर चलेंगे 600 का राउंड नंबर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 600 का राउंड नंबर। तो ये दो लेवल्स होंगे यहाँ पर, मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट 630 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाकर मूव करता डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर यहाँ पर ये वाला लो यानी जो आज का लो है, जो आज का लो है वो है 565 का लेवल। इसके आसपास का भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर मार्केट ने फॉल दिखाया। तो चलिए यहाँ पर मैं फिलहाल मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है चेंज। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर देखें तो सपोर्ट बनाया, प्राइस यहाँ पर देखिए हाई लगाया, यहाँ पर डाउन आया है, यहाँ से फिर से अप जा रहा है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है इस एरिया के आसपास से, तो फिर से हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस डाउन आता है प्राइस एक्शन बनाकर, तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमें काम करना है लेवल टू लेवल। तो देखते हैं कल यहाँ पर निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो चलिए अब यहाँ पर एक बार हम अपने लेवल को कंफर्म करते हैं। टूल यूज़ करेंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से मार्क कर देंगे, क्योंकि इस लेवल से अगर देखें तो सपोर्ट बना के प्राइस मूव किया है। तो एक बार इसको यहाँ पर हम मार्क करते हैं ये वाला लो और आज का हाई एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 600 राउंड नंबर इंपॉर्टेंट लेवल है। 600 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तभी सिनेरियो यहाँ पर प्रॉपर तरह से हम बेरिश का देख सकते हैं। और अगर एक स्टेप अप करें यहाँ पर आज का लो, यहाँ पर देखिए आज का लो हमने मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर 0.5 और 0.6 का लेवल है, यानी कि अभी हमने जो लेवल निकाला है 19,623 के आसपास, कौन सा लेवल है 0.6 का, यानी 50 एमए के पास में है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ पर सपोर्ट बनाने की फिर से कोशिश कर सकता है और फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। तो लेवल टू लेवल आपको वर्क करना है और ये भी देखना है यहाँ पर कैंडल्स किस तरह की बन रही हैं। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। अगर इसकी बात करें तो देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अभी एक रेंज बनाई हुई है। तो कल अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 953 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 960 का फर्स्ट टारगेट, और अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 970 का भी लेवल दिखा सकता है
इस पे आप नजर बना के रखिएगा एक दो दिन। देखिए मेरा व्यू यहाँ पर अपसेट के लिए है, तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ये वाला एक लेवल होगा जहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो 940 के आसपास आता है, तो फिर से यहाँ पर सपोर्ट बना सकते हैं और फिर से ये मूव कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा भारती एयरटेल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अभी यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है, अगर एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करती हूँ तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हर्डल बना हुआ है 632 का लेवल। अगर कल यहाँ पर मूव करता है और 632 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 637 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर आने वाले दिनों में 646 का भी लेवल दिखा सकता है टाटा मोटर्स, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ से फॉल देखने को मिला है। अभी प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पर मूव कर रहा है अपसाइड के लिए, तो कल अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। डाउन साइड यहाँ पर हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे 625 का जो लेवल है इसके नीचे, अगर यहाँ पर डाउन आता है, अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तभी हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान करते हैं तो छोटी क्वांटिटी से ही करिएगा डाउन साइड के लिए, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 625 का लेवल। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है TCS। तो TCS में देखिए यहाँ पर एक ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है जहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है और काफ़ी अच्छा ये मूव कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है, तो कल अगर यहाँ पर 3632 के लेवल को ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3650 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3680 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बीच में जो हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है 67 के आसपास, लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक करके अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइजेशन दिखाई देगा तभी हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 3600 का राउंड नंबर, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 3572 का भी लेवल दिखा सकता है डाउन साइड में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस। रिलायंस के लिए देखिए यहाँ पर जो हर्डल बना हुआ है अप साइड से वो बना हुआ है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो 2330 का लेवल, और डाउन साइड से 2295 का लेवल। इसी के अंदर देखिए यहाँ पर ये मूव कर रहा है, तो कल के लिए जो हर्डल है वो है 2317 का लेवल अपसाइड से। अगर प्राइस मूव करता है अपसाइड, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है, तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 2330 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो 2342 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे 2300 के नीचे, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 2295 के आसपास का सिनेरियो देखने को मिल सकता है रिलायंस में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 50 EMA के ऊपर सपोर्ट बना रहा है, और ये हमारी सपोर्ट की ट्रेड लाइन है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 1530 का लेवल। तो कल अगर प्राइस यहाँ पर निकलता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 1530 के ऊपर, तो नेक्स्ट यहाँ पर 1534 का लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1544 का भी लेवल दिखा सकता है HDFC बैंक। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो यहाँ पर डाउन साइड 1521 के नीचे अगर निकलता है, यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाई देगा, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1516 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1512 का लेवल, इस लेवल के आसपास का सिनेरियो देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। सो फ्रेंड, यदि स्टॉक्स अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो। सो फ्रेंड, देखते हैं कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड को प्लान करिएगा, और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और जरूर बताइएगा कि किसने कितने पॉइंट कैप्चर करे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।